नमस्कार, मैं डॉक्टर हिना मोनोज हूँ और मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। करीब 20 सालों से डिप्रेशन और एंजाइटी से ग्रस्त लोगों की मदद करती आ रही हूँ। कोविड-19 या कोरोना वायरस की वजह से जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई है, इसमें भी कई सिचुएशंस ऐसी हैं, कई लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत बढ़ गई है। अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। चिंता होना बहुत स्वाभाविक है सिचुएशन में। चिंता खुद के बारे में, अपने प्रियजनों के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, उनका क्या होगा, किस तरह से होगा, कई बार जिनसे हम रिलेटेड नहीं है उनके बारे में भी, जैसे गरीबों का क्या होगा, देश का कैसे क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा, नौकरियों में कैसे बदलाव आएंगे, इस तरह की कई चीजें हैं जिनसे आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो कुछ चीजें आपको दिमाग में याद रखने की हैं और कुछ अपनी दिनचर्या में चेंज करने की हैं रिक्वायर्ड, जिनसे आपकी ये चिंता कम हो सकती है और डिप्रेशन कम हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है, ये चिंता बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है। ये हर जने को इस स्थिति में हो रहा है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। समाचार जो हम देखते हैं उसका टाइम हमें लिमिट करना चाहिए न्यूज, क्योंकि बार बार देखने से चेंज नहीं होती और मोस्टली न्यूज जो होती है दिन भर वो रिपीट होती रहती है। तो अगर हम एक टाइम तय कर लें, एक टाइम पीरियड तय कर लें कि एक घंटा एक दिन में हमें न्यूज को देना है, तो उससे ये सारी नेगेटिविटी कंट्रोल रहेगी। इसी तरह से गंभीर जो बातचीत होती है हमारे दोस्तों के साथ इन्हीं सब टॉपिक्स को लेके, वो भी हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं और लिमिट कर सकते हैं, ताकि उस तरह की नेगेटिविटी हमारे दिमाग में बार बार ना हो। जो गतिविधियां हमको सुख देती हैं, जो सुखद हैं, जैसे कि कोई अच्छा म्यूजिक सुनना, म्यूजिक बजाना, या कोई गार्डनिंग, पेड़ पौधों का देखभाल करना, कोई अच्छी हास्यप्रद बुक पढ़ना, या कोई कॉमेडी मूवी देखना, ये सब चीजें हम अपने दिनचर्या में, हम डेली रूटीन में डाल सकते हैं, ताकि हमारे घर का माहौल, हमारे मन की स्थिति एक हल्की फुल्की बनी रहे, कम से कम चिंता हो, कम से कम डिप्रेशन हो। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्थिति को हम एक मजबूरी जैसा न लें, बल्कि एक अवसर जैसा लें, एक अपॉर्चुनिटी है। हम अपनी हेल्थ पे फोकस कर सकते हैं, फिजिकल और मेंटल दोनों। हम जितना भी हमारे पास स्पेस है घर में, हम यूटिलाइज करके एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हैं। साथ ही साथ इस सिचुएशन में, इस स्थिति में ये कंडीशन बनी है कि हम बाहर जाके बहुत सारा खाना नहीं खा सकते हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया अवसर है जब हमें घर में स्वस्थ और पौष्टिक खाने को मिलेगा और हम खाने अच्छा हेल्दी फूड खाने पे फोकस कर सकते हैं। और भीड़ भाड़ में जब हम जाते हैं बाहर नौकरियों के लिए या काम के लिए, हमारी रूटीन में नींद हमारी पूरी नहीं होती है, तो इस स्थिति में हम अपनी नींद भी अच्छी तरह से भरपूर पूरी कर सकते हैं। और नींद अच्छी होने से, खाना अच्छे होने से, एक्सरसाइज फिटनेस होने से हमारी इम्यूनिटी भी डेवलप होगी। तो इस तरह से हम इस स्थिति को एक अवसर के रूप में ले सकते हैं, जिसमें हम अपने नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। कोई ज्ञानवृद्धि की चीज़ें हमने सोच रखी हो पहले, कोई बुक पढ़ने की, या कोई लैंग्वेज सीखने की, या कोई कुकिंग, कोई पर्टिकुलर रेसिपी करने की, कोई पेंटिंग करने की, इस तरह से कई चीज़ें हैं जिनमें हम अपनी क्रिएटिविटी भी डेवलप कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी ज्ञान की वृद्धि भी कर सकते हैं। इसी टाइम पे हमें ये यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे जो भी इष्ट देवता हैं या भगवान हैं, गुरु हैं, जिनको भी हम मानते हैं, अल्लाह हैं, उनकी थोड़ा बहुत पूजा पाठ करें, थोड़ा वक्त निकालें उन मंत्रों के लिए, उन पूजा पाठ के लिए, और जिससे हमें न सिर्फ शक्ति प्राप्त होगी और बल्कि विश्वास भी एक बनेगा भगवान पे और फ्यूचर पे, डेस्टिनी पे, एक तरह से सकारात्मक सोच बढ़ेगी। इन स्थिति में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की ये है कि क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में है और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम जब ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तो हम बेटर स्टेट में होंगे अपने मेंटल हेल्थ को लेके। क्या चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि लॉकडाउन कब तक चलेगा,
लॉकडाउन कब तक चलेगा, दूसरे लोग सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे नहीं करेंगे, वो लोग प्रिकॉशन रखेंगे नहीं रखेंगे, बट क्या चीज़ हमारे कंट्रोल में है? हमारे कंट्रोल में हमारा प्रिकॉशन है, हमारी सावधानियाँ हैं, हमारा सोशल डिस्टेंसिंग है, या हम कितनी न्यूज़ देख रहे हैं कितनी नहीं देख रहे हैं, ये कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम सोशल मीडिया पे कितना है कितना नहीं, ये हमारे हाथ में है। तो हम इस चीज़ को समझें कि हमारे हाथ में क्या है, क्या हमारा कंट्रोल में है, क्या हमारे नियंत्रण में है, और उस चीज़ पे फोकस करें, तब हमारी एंजाइटी लेवल कम रहेगा। आप ये पूरी इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, पूरी कोशिश करें, बट अंत में फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कभी स्थिति ऐसी होती है जब ये चीज़ें एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तब आप घबराएं ना, बेफिक्र होके बिना झिझक के मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। आजकल ऑनलाइन हेल्प बहुत अवेलेबल है, लोग आपके साथ हैं, और बिना किसी शर्म के बिना किसी झिझक के आपको अपने लिए ये मदद मांगनी चाहिए। और इस चुनौती से लड़ने के लिए, ये चुनौती विश्व भर में है, और इस चुनौती से लड़ने के लिए हम सब एक दूसरे के साथ हैं। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दूसरे व समस्त विश्व के कल्याण के लिए हम भागीदार बनेंगे, और आने वाले समय हमारे सबके लिए मंगलकारी होगा।